अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। बहुत से मामलात हैं बात करने के लिए। ज़ाहिर है सबसे बड़ा मामला वही है जिस पर आपकी नज़र है, जिसकी वजह से आपकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, चाहे गैस हो, चाहे बिजली हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे आटा हो, चाहे चीनी हो। और अब हमें ये तो कोई नहीं कह सकता कि ये मीडिया जो है वो सेंसेशनल हो जाता है। आप देख रहे हैं कि पब्लिक क्या कर रही है, आप देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, केपीके में क्या हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि तनख्वाहें 50,000 हैं और 1.5-2 लाख के अलावा गुजारा ही नहीं। अगर बिजली का बिल 25,000 आ जाएगा और गैस का 10-12 आ जाएगा और पेट्रोल बढ़ता चला जाएगा तो फिर क्या होगा? रोना नहीं होगा तो और क्या होगा? लेकिन उस रोने से पहले हम एक और रोने की बात करते हैं। अब परवेज़ इलाही साहब किसी वक्त मंजूर नज़र थे, किसी वक्त जो ताकतवर लोग हैं उनकी आंख का तारा थे, किसी वक्त वो एक बहुत ही पॉपुलर शख्स थे और शख्सियत थे। अब उनका ये हाल है कि उनको कितने महीनों से, कभी जेल के अंदर, फिर कोर्ट कहता है उनको निकालो, फिर उनको ले लेते हैं, उठा लिया जाता है फिर। और ये तो पीटीआई के बहुत से लोगों के साथ हुआ है। और परवेज़ इलाही साहब बहुत अपना जम के खड़े हैं। अब जम के तो खड़े हैं लेकिन अब न मालूम कितनी देर तक उनकी सेहत साथ देगी। जब नवाज शरीफ साहब की सेहत ख़राब थी तो उस वक्त भी हम कहते थे कि एक इंसानी तकाजा भी होता है। उस वक्त हमें बहुत तनकीद की जाती थी, बहुत बुरा भला कहा जाता था, ये कहा जाता था इस पार्टी के साथ हैं, इस शख्स के साथ हैं। बात यह है कि एक तो इंसानियत की बात है और दूसरा ये भी कि न जाने ये कौन सा कानून है कि आप एक निकालें और डालें, निकालें और डालें। और इस्लामाबाद की पुलिस ने इनको पकड़ा, ये बताया जा रहा है। जब उनको रिलीज़ किया तो इस्लामाबाद की पुलिस ने पकड़ा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने ये कहा, जज मियागुल हसन ने कुछ ही रोज़ पहले उन्होंने कहा कि पुलिस को बुला के कहा, उन्होंने कहा कि आपको मालूम है आपका जो एमपीओ लगता है उसको हम बिल्कुल रद्द कर देते हैं, योर एमपीओज डोंट स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन एक तमाशा है, चला जा रहा है, देखें अब क्या होता है इसका। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, ऐसे तो नहीं चलते मुल्क, बहरहाल ऐसे नहीं चलते मुल्क। और ये जो महंगाई का रोना है उस पर, इससे पहले हम ये बताएं कि पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या बातें की, ये हम आपको बताते हैं, सुनाते हैं, जो कि हमारे केयरटेकर मिनिस्टर साहबा ने जो मीटिंग हुई कल सेनेट की फाइनेंस कमेटी की, दो टोक अल्फाज में उन्होंने 4-5 मोटी मोटी बातें की, तो वो सुनिए क्या कहा। एक उन्होंने कहा कि मुल्क के माशी हालात अंदाजे से ज़्यादा ख़राब हैं और सब्सिडी देने की माली गुंजाइश नहीं है। नंबर दो, साबिका हुकूमत ने IMF से मुआहदा किया और हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। कुछ तवक्को ना करें कि हुकूमत किसी तरीके से हालात आसान बना सकती है आम लोगों के लिए। फिर हम साबिका हुकूमत के IMF से किए गए मुआहदे की तमाम शराइत पूरी करेंगे। कोई ऑप्शन नहीं है। आपको याद है ना कि डार साहब ने आके क्या कहा था और फिर उसका नतीजा क्या हुआ था, एंड देन ही हैड टू डू एग्जैक्टली व्हाट ही सेड ही कांट डू। तो ये शुरू में ही बता रही है कि जी हमारे से तवक्कोआत ना रखें, गलत तवक्कोआत ना रखें। चौथा, उन्होंने कहा कि ये तासुर दुरुस्त नहीं कि हमारे पास लामहदूद इख्तियार हैं। अब पहले वो उन्होंने रिसोर्सेज की बात की, अब इख्तियारात की बात करिए। हमारे पास महदूद इख्तियार हैं और इनके अंदर रहते हुए ही हम काम कर सकते हैं। और फाइनली जो उन्होंने एक होप दिया है, कहा इस हद तक आप तवक्को कर सकते हैं, कुछ उन्होंने उम्मीद कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के बाद मईशत पर कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। ये जो सेनेट की फाइनेंस कमेटी है, देख रहे हैं कि हमारे लिए करना क्या करना मुमकिन है और क्या मुमकिन नहीं है। तो यही है मामला जिस पर हम अपने आज पैनल से बात करेंगे कि क्या मुमकिन है और क्या मुमकिन नहीं है। और ये भी उन्होंने फरमाया आखिर में कि तेल के हवाले से हमारा दुनिया पर इन्हसार है, बोझ अवाम पर मुंतकिल करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी तेल की जो कीमत है, हमारे पास कोई अपने कुएं तो नहीं है ऐसे, हमने तो इम्पोर्ट करना है तेल, तो जब कीमत बढ़ेगी तो फिर आपको, सॉरी अवाम, आपको तो ये भुगतना पड़ेगा। तो ये जो है हकायक,
उन्होंने बिल्कुल बयान कर दी, शी इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, उन्होंने कोई लगी लिपटी नहीं, उन्होंने बता दिया साथ साथ, ये कहा एक हफ्ते के बाद। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब की कल मुलाकात हुई जो कुछ जर्नलिस्ट और एंकर से, तो लुब्बे लुबाब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि महंगाई है लेकिन इतनी नहीं कि पहिया जाम हड़ताल हो। अच्छा, वो कह रहे हैं इतनी नहीं कि पहिया जाम हड़ताल हो, लेकिन हम देखें आज भी देखिएगा बहुत से शहरों में, सिंध के, पंजाब के पी के और जम्मू कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के, वहाँ भी लोग निकले हैं, कहीं जला रहे हैं बिल्स, कहीं स्कूल्स बंद हैं, कहीं दुकानें बंद हैं, कहीं पहिया जाम है। फिर उन्होंने कहा कि, और ये कैटे के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, बिजली के बिल तो सबको देना होंगे, ठीक है, बिजली के बिलों के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, फरमा रहे हैं बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, उससे बात करें जिसके 24 और 25,000 बिल आया है और तनख्वाह उसकी कोई 40-45 है। फिर उन्होंने फौज के हवाले से कहा कि फौज एक यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि ये बहुत बात चल रही है कि जी इदारे जो हैं, चाहे हुकूमती सिविलियन हैं या दूसरे हैं, उनको मुफ्त बिजली मिलती है, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं करता, एक यूनिट भी मुफ्त बिजली नहीं इस्तेमाल होती। और उसके आगे उन्होंने कहा डिफेंस बजट से दिया जाता है कुछ ऐसे। फिर बिजली बहरान की वजह लाइन लॉसेस, चोरी और आईपीपीज के मुआहदे हैं। तो ये कौन सी नई बात है जी, ये कौन सी नई बात है, व्हाट इज़ न्यू, ये तो हम सुन रहे हैं कुछ 15-20 सालों से हम यही सुन रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, पूछते हैं इसका मतलब क्या हुआ, पूछते हैं अपने पैनलिस्ट से कि इसका कोई इनको नज़र आ रहा है, इज़ देयर एनी लाइट एट द एंड ऑफ दिस टनल विच इज़ वेरी डार्क उन लोगों के लिए जिनकी तनख्वाहें आप देखें 90-95 पता नहीं कितने फ़ीसद हैं जिनकी तनख्वाहें 50-60 हज़ार के करीब है, तो उनका क्या बनेगा। हारून शरीफ साहब हैं, फॉर्मर चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सीनियर इकोनॉमिस्ट, बहुत शुक्रिया हारून फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर फरूख सलीम साहब हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, बैंकर रह चुके हैं, सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम करते हैं, लिखते भी हैं, बहुत शुक्रिया फारूक साहब आपने हमें ज्वाइन किया। और शब्बर जैदी साहब हैं नाज़रीन, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, फॉर्मर चेयरमैन हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब आपने हमें ज्वाइन किया। तो अब शुरू करते हैं हम नाज़रीन, पूछते हैं इनसे कि ये जो कह रही हैं डॉक्टर साहिबा, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, वो कह रही हैं एक हफ्ते के बाद मईशत पर हम फिर ब्रीफिंग देंगे और बताएंगे कि क्या कर सकते हैं। हारून, व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो जो है वो ठीक है जो उन्होंने बातें की हैं, उसमें कोई ऐसे तज्जुब की बात नहीं है कि एक छोटे मुद्दत की हुकूमत है, लिमिटेड टाइम है, ऑब्वियसली वो कोई मुआहदे नए तो करने से रहे, स्टैंड बाय अरेंजमेंट को ऑनर करना है। दो चीजें इसमें मिसिंग है। देखिए, जब आप एक ए पोलिटिकल न्यूट्रल टेक्निकल लोगों को इंटरम में लाते हैं तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो सियासी लोग पेटनेज बेस्ड या प्रोजेक्ट्स करके गए हैं उसको वो ख़त्म करके उसमें से जो सेविंग्स हों उनको आप गरीब की तरफ डाइवर्ट करें, रीडिस्ट्रीब्यूट करें। तो पहली चीज़, इन सब जो आपने स्टेटमेंट्स अभी दिखाई हैं उसमें जो मिसिंग है कि एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट और रिडक्शन पर कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है कि स्टेट का खर्चा कैसे कम किया जा सकता है, साइज कैसे घटाया जा सकता है। दूसरी चीज, ये जो मुजाहरे हैं या लोगों की गम गुस्सा है, जायज है, जब 96% लोगों के बिल डबल से ज्यादा हो गए हैं तो मुजाहरा तो होगा। बाय द वे, हमारी जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो साउथ एशिया की पैरिटी पे है, बिजली की प्राइसेस हमारी तकरीबन 40% ज्यादा है बाकी ममालिक से, और उसकी वजूहात बड़ी क्लियर है कि हम जनरेशन के अंदर दो चीजें, तो हमारा 63% इन्हिसार तेल के ऊपर है, दूसरा हमने आईपीपीज को कैपेसिटी पेमेंट करनी है, इसके बाद ट्रांसमिशन के लॉसेस हैं और जनरेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें चोरी है। उतनी तो पुरानी कहानी जितनी आपकी उम्र होगी। अब मैं आपको बताऊं कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जहां पॉलिटिकल लोग यहां इदारों में अपने बंदे लगाते हैं उनको एक कॉम्पिटेंट सीईओज लगाने चाहिए, डिस्कोज में बोर्ड्स अच्छे बनाने चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि गवर्नेंस थोड़ी उनके पास बेहतर हो। बिल्कुल अथॉरिटी है क्योंकि कंपनीज लॉ में बनी हुई है, कंपनियां वो इसको करें क्योंकि इनके ऊपर तो पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। तो एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट,
कुछ चोरी रोकने के लिए जो गवर्नेंस है, और तीसरी आखिरी चीज ये है कि उनको ये कहना चाहिए कि हमारा, पहली बात तो ये है उनको इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए कि हमारा इतना पीरियड है। वो बाय द वे आज ये नाजीन आपको बताते चले कि इलेक्शन कमीशन ने जो डिलिमिटेशन है उसका टाइम कुछ दो हफ्ता कम किया। लेट्स सी व्हाट दे जी, मैं इसको सियासी तौर पे नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ ये एक बड़ा मेजर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है जो बेयकीनी की सूरत हाल को, सियासत ही है ना, यू आर सेइंग के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी, क्लैरिटी आएगी डायरेक्शन की। और इनको ये चाहिए कि एक बिजली, क्योंकि हमारी फॉल्ट लाइन है, एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स के ग्रुप से 3 माह में अगली हुकूमत के लिए गाइडलाइंस बना के जाएं। ठीक है, इससे ज्यादा ये नहीं कर सकते, इससे ज्यादा ये नहीं कर सकते, क्या ये करेंगे या नहीं करेंगे। जी फारूक, देखिए नसीम, पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत को आए हुए 18 दिन हुए हैं शायद आज, तो ये बिजली का मामला हो, डॉलर की चढ़ती हुई उड़ान हो, ये इसका मलबा जो है वो मैं नहीं समझता हूँ कि वाजिब होगा कि वो निगरान हुकूमत के ऊपर डाला जाए। ठीक, अगर 18, देखिए इस वक्त जो हम देख रहे हैं मईशत के अंदर वो उन पॉलिसीज के नतीजे में है जो पिछले 6 महीने, साल, 1.5 साल से 2 साल से बनाई जा रही हैं, उनका उनका फ्रूट आज हमें नजर आ रहा है। ठीक, उनकी जो गलतियां हैं, उनके जो फ्लॉज हैं, वो हमें आज नजर आ रही हैं। दूसरी बात यह है कि जो 18 दिन गुजरे हैं इस निगरान हुकूमत के, उसमें से 3 दिन तो वजीरे आजम साहब जो हैं वो इमरजेंसी मीटिंग कर रहे थे बिजली की, और उसके बाद 4 दिनों के बाद उन्होंने बताया कि हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि आपने 4 हंगामी इजलास, हंगामी मुशावरत के मीटिंग किया, उसके बाद हमें बताया कि हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर जो हमारी वजीर खजाना साहिबा हैं वो सेनेट की कमेटी को के दौरान कहती हैं कि मैं तो खुद सोच रही हूं कि मैंने ये ओहदा क्यों कबूल कर लिया। और एक हमारे वजीर हैं कॉमर्स के, वो ये कहते हैं कि 90 दिन के अंदर मैं मुल्क की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 30 अरब से 80 अरब पे ले जाऊंगा। तो अब ये पैगाम क्या है, इसका मैसेज क्या है? लेकिन एक सेकंड फारूक, जो 30 से 90 अरब ले जा रहे हैं वो तो पैगाम ऐसे ही है कि आप और हम लुड्डी डालें, मतलब वो तो बड़ा जबरदस्त पैगाम है, बताएं। नहीं नसीम, ये जो स्टॉक मार्केट है, जो उसने नहीं पैगाम वो ठीक समझा, सही बात है, उनको एक पैगाम ये जाता है कि ये काबीना के जो मेंबर हैं ये एक पेज पे नहीं है, ये टेम्पो में जा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बेशक। और दूसरा पैगाम ये जाता है कि शायद ये काबीना के जो मेंबर हैं ये फैसला साजी की काबिलियत नहीं रखते, बेशक। तो आप कह रहे हैं कि जी IMF को हमने कह दिया है, अब देखें IMF हमारी बात मानता है या नहीं मानता। तो ये तो बिजली के हवाले से बड़ा साफ सुथरा मामला है कि 520 अरब का डिस्कोस जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो नुकसान कर रही है, 250-300 अरब के आपने टैक्स लगा रखे हैं जो बिजली का बिल आपको आता है, और कोई 2000 अरब की हमने कैपेसिटी पेमेंट करनी है। इसमें IMF के, देखिए IMF ने पिछले 75 सालों में, उनके पास कोई एक सक्सेस स्टोरी भी नहीं है। उनके चार्टर में ये नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने किसी मुल्क की मईशत को तंदुरुस्त तवाना करना है, उनकी तरफ देखना कि वो शायद हमें कुछ बताएंगे। देखिए ठोस किस्म का पैगाम सामने आना चाहिए, ठोस पैगाम ये बनता है कि जी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो नुकसान कर रही हैं, 10 में से 9 जो है वो तो सूबों की है, तो सूबों को मुंतकिल कर रहे हैं, सूबे संभाले, उनकी चोरी कम करें या उनको निजकारी का निजकारी लेके जाए। अगर देखिए इस वक्त एक चीज और नसीम, जो आपको घर में बिजली का बिल आ रहा है, यकीन कीजिए उसको बिजली का बिल नहीं कहा जा सकता, उसमें टोटल में 20% आपका बिजली का बिल है जो बिजली की खपत है, 30% टैक्सेस है, और 50% हुकूमत की नाअहलियां हैं। तो एक तो वो बिजली का बिल नहीं है, वो आप समझे कि वो हुकूमत की नाअहलियों का बिल, बेशक ऐसा ही है। मतलब यहाँ तो मुझे बताते हुए भी आई एम एम्बेरस्ड के मेरा बिल पिछले महीने कितना था और अब कितना है, यानी कि इतना लव वो है कि यानी कि हम अगर ये रोना रो रहे हैं तो सोच लें कि और लोगों का क्या इस वक्त हाल है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजीन, हमारे साथ इस वक्त शब्बर जैदी साहब
तशरीफ़ रखते हैं, उनसे भी पूछते हैं, FBR के चेयरमैन रह चुके हैं और दुनिया में जो तमाम इस वक्त मामलात हैं फाइनेंस की और जियो स्ट्रेटजी के, उस पर भी बात करते हैं और अभी पूछते हैं उनसे। वो हमें याद है शब्बर भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। आप फरमाते थे कि अमरीकनों के साथ बातचीत कर लें तो हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं किसके साथ की है बात, किसके साथ नहीं की। फ़िलहाल तो हर तरफ सरापा एहतजाज हैं लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं जवाब दूं आपको कुछ? फरमाइए जी, बिल्कुल, इट्स ऑल योर्स। कि मैं तो, अगर आप मुझे फॉलो कर रही हैं और आपके प्रोग्राम भी अगर मेरे साथ जो पास्ट में हुए हैं, अगर आप मेरी बातों को याद करें जो हमें पिछले 6-7 महीने से स्पेशली आपके प्रोग्रामों में कह रहा हूं और उससे पहले मैं 2-3 साल से कह रहा हूं, जो कुछ भी हो रहा है उसमें किसी भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट हो, चाहे वो BDM हो या अब केयर टेकर आ गए हैं, इसका कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान की मईशत, मैंने आपको बार बार आपको एक बात कहता रहा हूं और दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस खदोखाल पर तश्कील दी जा चुकी है उस खदोखाल को सही करने के लिए आपको बुनियादी इनकलाबी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपके पास ना स्ट्रक्चर है, ना आपके पास सोच है, ना कौम के अंदर वो ख्वाहिश है, ख्वाहिश कह लें या वो एग्रेशन है जो चाहिए। तो ये जो हम परेशानियों की बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ इन प्रोग्रामों की हद तक हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त बुनियादी इशू है वो ये है कि पाकिस्तान की बईशत, अगर कोई आदमी, अगर मेरी बात दोबारा याद कर रहा हूँ, मुझे याद हो, ये दो हजरात जो आज बैठे हैं यही मेरे साथ होते थे, और जब मैं कहता था कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है तो सब लोग डिसएग्री करते थे। मैं आज कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के इदारे तबाह हो चुके हैं। अब इनको अगर आपने ये फैसला करके चलना है कि इनको सही करना है, तो पहले ये माने कि ये तबाह हैं। जो बात बिजली की बात की जा रही है, उसमें 41,000 की प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमारे पास, इंस्टॉल कैपेसिटी है, और हम 28-30 हज़ार प्रोड्यूस करते हैं। 12,500-13,000 की हमारे कैपेसिटी पेमेंट है जो हम पेमेंट कर रहे हैं, जिसकी मालियत तकरीबन 2,000 अरब बनती है, जो हम कंज्यूमर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जब आप लोग करप्शन की बातें करते हैं कि इसने करप्शन की, उसने करप्शन की, तो ज़रा उस आदमी को बुला के टीवी पे बुलाएं, उससे पूछें कि जिसने ये चाइनीज़ के प्लांट लगाए हैं और जो इन डॉलर में पेमेंट कर रहा है, जिसको बड़ी अच्छा अच्छा नज़र आ रहा था CPEC की इन्वेस्टमेंट, और जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे असद इकबाल साहब आते थे और उनको नज़र आ रहा था कि ये गेम चेंजर है, अब उनसे पूछें कि ये 12,500 की कैपेसिटी पेमेंट जो तकरीबन 2,000 बिलियन है, ये वो कहाँ से देंगे? ये पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल करप्शन है जिसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। और इलेक्शन, नो इलेक्शन, 3 महीने बाद इलेक्शन, मेरी गवर्नमेंट, तुम्हारी गवर्नमेंट, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको बुनियादी तब्दीली करनी पड़ेगी। आपको जो जितने भी ये IPPs हैं, इन सब के पास 500-600 मिलियन डॉलर के फॉरेन करेंसी लोन्स हैं, और वो फॉरेन करेंसी लोन की रिपेमेंट हो रही है, सॉवरेन गारंटी है, उसके अगेंस्ट हमारे डॉलर जा रहे हैं और उसका, उसकी पेमेंट हम कर रहे हैं, जिसका रोना आप लोग रो रहे हैं। अब इसको आप यहाँ हम छोटी मोटी बातें कर हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। जहाँ तक वजीर ख़जाना साहिबा की बात का है, उनको वो एक हद तक सच कह रही हैं, मगर सवाल यह है कि अगर वो सच कह रही हैं तो उनको ये भी बताना चाहिए कि ये आगे सही होने वाले हालात नहीं हैं, और कौम को बिला वजह की उम्मीदें नहीं दें कि 1 हफ्ते बाद हम कोई चीज़ लाने वाले हैं। 1 हफ्ते बाद वो 1 साल 2 साल वो 5 साल भी कोई चीज़ नहीं ला सकते। ये जो हालात हैं आज के, कौम को तैयार करना पड़ेगा कड़े वक्त के लिए। जी, एक सेकंड में थोड़ा सा इसलिए चाहती हूँ कि मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि 1 हफ्ते बाद हम आके प्रेजेंटेशन देंगे कि आया हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। उन्होंने हरगिज़ कोई उम्मीद नहीं दी।
बिल्कुल 100% सही कह रही हैं कि वो एक हफ्ते बाद बताएंगी कि हम कुछ कर सकते हैं, और अगर वो जरा सी भी अकलमंद हैं तो उनको ये कहना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा है कि कर सकते तो या नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, बिल्कुल वो सच बोल रही है, वो सच बोल रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है वो कि हम कुछ नहीं कर सकते। वो 2000 बिलियन की कैपेसिटी पेमेंट को खत्म नहीं कर सकती, वो डॉलर की 500 बिलियन हर कंपनी की नहीं खत्म कर सकती। ये पाकिस्तान के पुराने अजाब हैं जो हमें कैरी करने पड़े हैं, अब हम कर रहे हैं। अब सवाल मैडम ये नहीं है, सवाल अब दूसरा है थोड़ा। सवाल ये है कि हमें बिजली की और पेट्रोल की कंजर्वेशन करनी चाहिए, हम बचत करें डॉलर रुपी में, डॉलर में बचत करें कि हमारा हमारे पास कम डॉलर खर्च हो और हमारा इनफ्लो डॉलर का बढ़े तो हमारा करेंसी। शबर भाई अगर आप मुझे इजाजत दें, आपने बड़े तफसील में बिल्कुल बड़ी क्लियरली फरमा दिया है कि जो प्रॉब्लम है, मैं चाहूंगी कि आप ही के पास आएंगे हम के बताइए आपको क्या लगता है कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी हमारे दोनों पैनलिस्ट भी बताएं और आपके पास कंक्लूडिंग हो ताकि आप इनकी भी बात सुन के, तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो मुझे इजाजत दें तो मैं हारून के पास जाऊं। जी हारून जी, बिल्कुल बात करें। जी जी हारून जी, देखें बात को अब हमें आगे की तरफ ले जाना है। अब जो बिल्कुल इमीडिएट टाइम है उसको मैं कहता हूं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि रिलीफ के लिए एक दो क्या चीजें की जाए। दूसरा, मैंने बड़ा क्लोजली देखे हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उसमें सबसे पहला इकदाम जो रिस्पॉन्सिबल हुकूमतें करती हैं वो एक बड़ा विजिबल ऑस्टेरिटी का प्लान बनाता है। ऑस्टेरिटी, उससे लोगों में एतमाद आता है कि हमारी रूलिंग इलीट भी ऑस्टेरिटी कर रही है तो हम भी करें। जैसे अभी शबर साहब ने कहा कि अगर हमने एनर्जी कंजर्वेशन का प्लान बनाना है, जोनिंग करनी है, कार पूलिंग करनी है, टाइमिंग करनी है, जब तक हुकूमत सिग्नल नहीं देगी ऑस्टेरिटी का लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो पहला तो हो गया रिलीफ, ऑस्टेरिटी। ठीक, रिलीफ के बाद जो चीज है जो मैंने अर्ज किया कि केयरटेकर को भी चाहिए, रिलीफ से मतलब ऑस्टेरिटी ना, यू सेड ऑस्टेरिटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन गरीब को। अच्छा, जो मैंने कहा कि आप अपने वेस्टफुल पीएसडीपी के इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्क्स कुछ बंद करें, उसको ट्रांसफर कर दीजिए। इसके बाद जो हुकूमतें दुनिया में करती आई हमें उनसे सीखना है, वो ये करते हैं कि रिवाइवल का एक कॉन्क्रीट प्लान बनाते हैं। यहां एक बड़ा क्लियर मैसेज है, ये रिवाइवल का प्लान जो होता है ये सियासी लोग नहीं बनाते हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए इदारे इसको आगे लेके चलते हैं और इनका काम ये है कि इदारों में मजबूत लोग रखें और उनको डेलीगेट करें कि जी आपका काम बिजली का है, आपका काम टैक्स का है, आपका एक्सपोर्ट का है। अच्छा, जो दुनिया आपसे सर्टेंटी मांगती है वो सियासत नहीं दे सकती, जो दुनिया आपसे कॉम्पिटेंस मांगती है वो सियासत नहीं दे सकती। सियासत का काम एक वन लाइन फैसला करना है, ये इनकी डिलीवरी इदारों का काम है। तो पहली चीज तो ये है कि जो हमने हर इदारे में अपना बंदा लगाया हुआ है उसको अगर हम एक सिस्टम बना दें, थोड़ा सा उसकी तरफ चल पड़े। तीसरी जो मेरे लिए ज्यादा अहम चीज इस वक्त ये है कि पाकिस्तान का जो माशी ढांचा है वो 240 मिलियन की पॉपुलेशन को सर्व नहीं कर सकता, और हमने 12 देखा, 25 लाख बच्चे और बच्चियां हर साल लेबर मार्केट में आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, खाली हमें ग्रोथ के नंबर नहीं चाहिए फ्यूचर में, किस किस्म की ग्रोथ चाहिए कि जिसके पाकिस्तान स्टेबल भी रहे, एक्सपोर्ट भी कर सके, डॉलर्स भी आना शुरू हो। अब ये 5 से 10 साल की पेनफुल ट्रांजिशन है, लेकिन हमें कुछ ऐसे लोगों को लाना होगा जो मार्केट का कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आप कह रहे हैं मीडियम और आपने लॉन्ग टर्म। जी फरुख, ओवर टू यू, थोड़ा आप भी इसको एड्रेस कीजिएगा। डॉक्टर साहब ने कुछ चीजें फरमाई, हम उन्हीं के पास जाएंगे उनका पूछने के क्या वो फरमाते हैं रिकमेंडेशन। आपने ये सब सुन के आप क्या फरमाएंगे, 3-4 चीजें जो आपको लगता है कि होनी चाहिए? मेरे ख्याल में हमारा असल इशू जो है वो माशी नहीं, हमारा असल इशू जो है वो सियासी है। और असल इशू ये है कि माशी फैसला साजी की जाती है सियासी एजेंडों की बुनियाद के ऊपर, माशी फैसले लिए जाते हैं सियासी असर और रसूख के अंदर, और उससे मईशत को बहुत नुकसान पहुंचता है।
और आप अगर स्पेसिफिक एग्जांपल्स आप देख लें कि अगर फरवरी की 28 तारीख सन 2022 आपको याद हो, जो साबिक वजीर आजम है उन्होंने अचानक टीवी पे आके कह दिया कि 10 रुपए लीटर की सब्सिडी सब्सिडी पेट्रोल और डीजल के ऊपर। ठीक आप स्टेट बैंक का खाता खोल के देख लें, मार्च के महीने में हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो 4 अरब डॉलर नीचे आए थे उस स्टेटमेंट के बाद। तो ठीक आप सोचिए, कुछ सियासी स्टेटमेंट थी, मईशत को 4 अरब डॉलर का नुकसान है। सितंबर में आ जाए, नवंबर में आ जाए, हमारे पास एक नए वजीर खजाना आ गए थे, उन्होंने एक लंबी निगोशिएशन का प्रोसेस शुरू किया आईएमएफ के साथ, ठीक और हमें बताते रहे कि मेरे पास एक प्लान भी मौजूद है। जून में जाके वो मुआहदा हुआ जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट हमें कहीं मिला। ये 7-8 महीनों में 4 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे आ गई थी और 4 अरब डॉलर की रिमिटेंसेस नीचे आ गई। तो वो सियासी फैसला जो डिले करने का था उससे 8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाई एग्रीमेंट लेके फिर हम मिठाई बांटने चले गए। तो आप सोचिए कि जो जो माशी फैसले लिए जाते हैं सियासी एजेंडों की बुनियाद के ऊपर, उससे मईशत को और पाकिस्तान में जो 24 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं उनको बेतहाशा नुकसान पहुंचा है। तो जिसको कहते हैं कि आपने आपने माशी फैसला साजी करनी है, जैसे अभी हारून साहब कह रहे थे, सियासी असर रसूख से बालातर होके या उससे उसको माइनस करके। जी, तो ये जो शब्बर जैदी साहब फरमा रहे थे कि देर आर बेसिक स्ट्रक्चरल इश्यूज ऑल्सो, वो कह रहे हैं कि जी देखें आप अगर, और ये बात सब इसका रोना रोते हैं कि आपकी जो दरामद है वो इतनी कम है, आपका डॉलर का जो हर वक्त आप रोना रो रहे होते हैं वो, तो उस देर इज ओनली वन वे टू इम्प्रूव योर एक्सपोर्ट्स। एक मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अभी आप कौन कह रहा था कि जी उसको 90 बिलियन पे ले जाएंगे 3 महीनों में, बहरहाल बड़ा अच्छा हो। लेकिन बात यह है कि दो ज़्यादा इशूज़ ऑल्सो फरुख, उसको आप कैसे देखते हैं? आर दो स्ट्रक्चरल इश्यूज आल्सो वेरी रियल? तो ये बात हम कर रहे थे कि हमारा रुपया कितनी तेजी से गिर रहा है और फिर हम कहते हैं कि ये हमारा तजारती खसारा बहुत ज्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो कम है, हमारी इम्पोर्ट्स ज्यादा हो जाती है। देखिए असल बात ये है, असल बात है माशी क्यादत की, ठीक असल बात है माशी पॉलिसी साजी की, ठीक असल बात ये नहीं है कि हमारा रुपया गिर रहा है और सही बात है क्योंकि हमारे पास जाति खसारा बहुत ज्यादा है। ठीक ये दुबे लुबाब निकलता है माशी क्यादत का और माशी पॉलिसी साजी का। हमारे पास माशी क्यादत का फुकदान है, हमारे पास कोई मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट का फुकदान नहीं है, हमारे पास माशी पॉलिसी का और माशी क्यादत का फुकदान। ठीक है, ओके। सो ये आप कह रहे हैं ये पॉलिसी का होगा तो मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे फिर शब्बर जैदी साहब, जिन्होंने बड़ी बुनियादी बातें जो बड़ी अहम हैं, जिसके बारे में दुरुस्त बात है कि ये कुछ साल से फरमाते रहे हैं कि यही मामलात हैं और बिगड़ेंगे और बिगाड़ आएगा और यकीनी तौर पर बिगाड़ ही नज़र आ रहा है हमें हर गुजरते वक्त के साथ। तो पूछते हैं फिर ब्रेक के बाद शब्बर जैदी साहब से कि क्या किया जाए और क्या मुमकिन है करना जो वो रिकमेंड कर रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आप सुन रहे थे मामलात और मसाइल कितने गमगीर हैं इक्तसादी तौर पे। शब्बर जैदी साहब कुछ फरमाइएगा कि ये सियाक व सबाक जो हमारा सियासी है और पावर रिलेटेड है, इसके अंदर क्या किया जा सकता है? द्वारा देखिए दो है, एक तो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में आप कंजर्वेंसी का, जिस तरह बात की हारून साहब ने, कंजर्वेंसी के मेजर लेने पड़ेंगे आपको एनर्जी में भी और पर इलेक्ट्रिसिटी में भी और पेट्रोल में भी। मगर मगर जो वसीम ज़हरा साहब, मसला ये है कि पाकिस्तान की जो हालत है वो एक ऐसे बिगड़े हुए बच्चे की है जो कि पैदाइश से लेकर आज तक खर्च पे चलता रहा है और वो कर्जे ले लेकर अपने आप को चलाता रहा है। अच्छा, और अब उसके पास कर्जे लेने की सलाहियत भी नहीं है और कर्जे देने वाले भी नहीं हैं। ठीक है, अब हम मगर उस बच्चे की, उस आदमी की अना इतनी बड़ी है
कि वो ये नहीं कहना चाहता पब्लिक में आके कि मेरे पास अब ना आमदनी है ना मेरे पास कोई एसेट है, अब मैं बुनियादी तौर पर दिवालिया हो गया हूं और मुझे दिवालिया एक्सेप्ट करके मेरे साथ एक प्लान एग्री करें। पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान को अगर आपने सही करना है, और ये बात शायद मैं आज पहली मर्तबा कह रहा हूं और शायद कोई और नहीं कहेगा कि पाकिस्तान का सलूशन इस वक्त ये है कि पाकिस्तान एक टेक्निकल डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दे और टेक्निकल डिफॉल्ट डिक्लेयर कर पहला स्टेप ये करे कि जो पावर प्लांट है आईपीपीस के, उनके लोन की रिपेमेंट को जो 10 साल की है उसको बंद करे और उसको एग्री करे कि वो 25 साल में करेगा, अदरवाइज हमारे पास, और उसके बाद हम ये डिफॉल्ट एग्री कराएं लोगों के साथ, हम अपनी अना की खातिर, हम अपनी केयर टेकर के पास ज़्यादा बेहतर चांस है कि वो डिफॉल्ट डिक्लेयर करके आगे बढ़ें, क्योंकि सियासी गवर्नमेंट्स के पास डिफॉल्ट डिक्लेयर करने के लिए प्रॉब्लम होती है। हमें अपनी पोजीशन को ये कह के कि हम इसको सही कर सकते हैं, जो बातें हमने अभी आधे घंटे में की, ये बड़ी बड़ी मामूली बात है, बेशक फर्क नहीं पड़ेगा और ये पाकिस्तान ऐसा ही रहेगा। मगर मेरी और हमारी मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को एक दफा बड़ा झटका लगे, जब तक आप इस बिल्डिंग को इसको शॉक नहीं देंगे ये कोमा से नहीं निकलेगा, और आपको शॉक देना पड़ेगा, और शॉक देने में कोई बुराई नहीं है, दुनिया की तारीख इससे बड़ी हुई है। जिस फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हारून साहब कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल क्राइसिस वो थी जब 2008 में आई थी, वो फाइनेंशियल बैंकिंग क्राइसिस थी। ये जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त, वो सॉवरेन कंट्री की क्राइसिस है, जिसमें आज पाकिस्तान, अर्जेंटीना और श्रीलंका जैसे मुल्क इसमें इसका शिकार हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक प्लान तरीके से अपनी डेट के आगे सॉवरेन गारंटीज को ख़त्म करे, और अगर ये आप ये समझते हैं, कोई ये समझता है कि SIFC या ऐसी चीज़ें कर हम कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट निकाल लेंगे, मैं उससे एग्री नहीं करता। इसको बोलते हैं यू आर सेलिंग योर फैमिली सिल्वर। मैं OGDC को बेचने के फेवर में नहीं हूँ, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैं PPL के बेचने के फेवर में नहीं हूँ, आज मैं बेच दूंगा, सारी जिंदगी में डॉलर में डिविडेंड देता रहूंगा, ये एक बहुत निहायत ही गलत डाइवेस्टमेंट होगी। तो ये जो हमने बिला वजह की चीजें शुरू की हुई हैं कि हम ये बेच देंगे और वो बेच देंगे, ये इनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और चीजों का अलग बे भी नहीं पता। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपका कंट्री जब बैठ चुका है तो आप अपनी गर्दन को झुकाएं, डिफॉल्ट एग्री करें, पाकिस्तान की कौम को, इस्लामाबाद को और उसके आसपास के शहरों को ये एहसास दिलाएं कि अब ये दुकान चलने वाली नहीं है, और अब दुकान के सामान को फरोख करने की बारी आ गई है। दुकान का सामान फरोख्त हो जाए उससे पहले पहले कुछ इसकी ऐसा कर लें कि ये दुकान आगे चल जाए, अदरवाइज जो प्रोजेक्शन मुझे नजर आ रही है, मेरे मुंह में खाक, मगर उस प्रोजेक्शन में ये नहीं चल सकता। आप मेरी बात को आज रिकॉर्ड पे रख लें, आप इसको सोच लीजिएगा, मैं अच्छी बात नहीं कर रहा, मगर ये हकीकत सबके सामने आ जाएगी अगले आने वाले चंद सालों में, चंद महीनों में। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे आने का। नाज़रीन, ये अहम मसला है, और अहम नहीं, बहुत ही नहायत अहम है। कोशिश हम करेंगे कि इसी हफ्ते इसी पैनल को वापस ले कर आएँ, और ये जो शब्बर ज़ैदी साहब अभी बात कर रहे थे टेक्निकल डिफ़ॉल्ट की, हमारा नहीं ख्याल, एटलीस्ट जो हमें नज़र आता है कोई होने नहीं वाली ऐसी चीज़, इसको असेस करने की ज़रूरत है। अलबत्ता जो वो कह रहे थे, इन्होंने बड़ी अहम एक बात की, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो काउंसिल बनी है वो बहुत बनी है ज़ोरों शोर से, और उसमें जो हमें समझ आई है उसके मकासद बज़ाहिर बहुत अहम हैं। तो क्या वो जो कह रहे हैं अभी शब्बर ज़ैदी साहब के वो जो बनाना है उससे वो कह रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? फिर उन्होंने कहा कि फैमिली सिल्वर बेचो, जो हमें समझ आ रही थी वो ये था कि कुछ शेयर्स हैं जो सॉवरेन फंड पाकिस्तान ने बनाया है, उसमें उन शेयर्स को डालेंगे और उसमें और गल्फ से भी इन्वेस्टमेंट आएगी। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्लस के जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में
कहा डॉक्टर शमशाद साहब ने कि हम उस पर आएंगे वापस, कुछ आपको बताएंगे। तो कोशिश करेंगे नाजीन कि हम फिर एक इकोनॉमिक पैनल लेके आए इकोनॉमिक एनालिस्ट का और ये बात करें, क्योंकि ये और आईपीपीस का भी जो मामला है, आईपीपीस और ये आखिर में जो तमाम ये अभी दी जा रही थी एडवाइस, ये हम इसमें से बहुत सी एडवाइस हम 20 साल से सुन रहे हैं, 20 साल से सुन रहे हैं, लेकिन अजब बात है कि 20 साल से वही बात कहते चले जा रहे हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन वी विल कम बैक विद दिस डिस्कशन अगेन। हमारी तरफ से इतना ही, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।